News 18, India. और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनावी बॉन्ड पर फैसला पड़ रहे हैं सीजेआई। 5 जजों की बेंच और उसमें 4 जजों की बेंच अपना फैसला इस वक्त सुना रहे हैं और उनकी तस्वीरें भी हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं। चुनावी बॉन्ड पर फैसला पड़ रहे हैं सीजेआई, तो चुनावी बॉन्ड को लेकर क्या फैसला आता है इस पे सभी की निगाहें हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप दर्शकों को हम बता रहे हैं। चुनावी बॉन्ड को लेकर आज की तारीख में, मतलब आज फैसला आना था और वो फैसले की ही इस वक्त घड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से सीधे लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सीजेआई इस वक्त फैसला पढ़ रहे हैं। चुनावी बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो शुरुआती कमेंट है, टिप्पणी है, वो एक एक करके अब सामने आ रही है। बड़ी बातें कि उन्होंने क्या कहा है। अगर किसी पब्लिक को कुछ जानना है, पारदर्शिता होनी चाहिए और पारदर्शिता के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने किस किस एंगल को किस तरीके से देखा है, उस पे इस वक्त फैसला पढ़ा जा रहा है। 4 जजों की बेंच अपना फैसला इस वक्त सुना रहे हैं और ये फिलहाल तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीजेआई फैसले को इस वक्त पढ़ रहे हैं। क्या क्या कमेंट होता है, फैसला क्या होता है, इस पे क्या असर होता है आने वाले वक्त में। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर फैसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से, चुनावी बॉन्ड को लेकर ये बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पे सबकी निगाहें हैं, लेकिन एक एक करके हम आपको बताएंगे कि दरअसल ये चुनावी बॉन्ड है क्या। 2 जनवरी 2018 को अनुसूचित किया गया था सरकार के द्वारा। इसे राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को किए जाने वाले दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था, लेकिन यह मामला कहां पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उसके बाद आज इसको लेकर फैसला। यह पूरा मामला राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से चंदा देने की अनुमति वाले इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड योजना से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों के चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए इस कानून की जरूरत पड़ी और इसी को लेकर फिलहाल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पढ़ा जा रहा है। मेरे सहयोगी विक्रांत इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, अभी तक क्या क्या कमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मैं कुछ ही देर में उनका रुख करूंगी। सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है, रिश्वत का जरिया बन सकता है चंदा, ये कहा है सीजेआई ने। शुरुआती कमेंट के आधार पर आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो है, हो सकता है संभवतः कुछ ऐसी बड़ी बातें आ जाए जिसमें चुनावी माहौल में उन्हें यह दिखाना जरूरी है कि किस पार्टी को कहां से किसके जरिए कितना चंदा मिल रहा है। रिश्वत का जरिया, बहुत बड़ा कमेंट है ये, अपने आप में कंप्लीट है। रिश्वत का जरिया बन सकता है चंदा और इसी को लेकर याचिका के जरिए ये कहा गया था कि ये जो चुनावी चंदा होता है उसके बारे में हमें मालूम क्यों नहीं होता है, किस पार्टी को कहां से किसके जरिए फंड मिलता है, ये किसी को क्यों नहीं मालूम होता है। मैं सीधे अपने सहयोगी का रुख करती हूँ, विक्रांत मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, ये जो शुरुआती सीजेआई का कमेंट अभी फैसले का तो इंतजार है हम सभी का, उसमें ये कह रहे हैं सीजेआई कि चंदा जो है वो रिश्वत का जरिया बन सकता है। देखिए, सीजेआई इस मामले में अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया था और इस मामले में 5 जजों की बेंच थी, 2 फैसले आ रहे हैं, लेकिन दोनों फैसलों में जो अंतिम निष्कर्ष निकला है वो एक ही है, यानी दोनों की रीजनिंग अलग है। एक जस्टिस संजीव खन्ना ने लिखा है और एक जस्टिस सीजेआई ने लिखा है। दोनों की रीजनिंग अलग है लेकिन एक ही निष्कर्ष निकला है और चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिका में पॉलिटिकल पार्टी, ये अपने आदेश में कहा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बहुत ही रेलेवेंट यूनिट है जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है उसमें, और उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो जो मतदान करते हैं मतदाता, उनकी चॉइस उनके लिए बेहद जरूरी है इन राजनीतिक दलों की फंडिंग को के बारे में जानना। तो इसलिए जो चुनावी जो बात की जा रही है इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, वो उसमें ये पूरी तरीके से ये प्रावधान है कि उसके बारे में ये पता नहीं चलता कि किसने उसमें इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद कर राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। तो वो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो राइट टू इंफॉर्मेशन और आर्टिकल है उसका वायलेटिव है। ये जानने का अधिकार है मतदाता को कि राजनीतिक दलों को किसके पास से चंदा मिल रहा है और कहां से पैसा आया है, तो ये जानने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल विक्रांत, अभी आप आसान भाषा में दर्शकों को समझाइए क्योंकि चुनावी बॉन्ड को लेकर के लोगों के मन में बहुत सवाल है और सीजेआई ये कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, सूचना के अधिकार का उल्लंघन भी।